समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरी वक्त तक उम्मीद और मैदान नहीं छोड़ते चैंपियन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 को यादगार बनाने को बेताब है भारतीय धुरंधर। पिछले 4 साल की कड़ी मेहनत, मैदान पर बहाया गया पसीना और कोरोना काल के समय को पीछे छोड़ जापान की सरजमी पर भारतीय तिरंगा फहराने को बेकरार है भारतीय सूरमा। ये वो 127 खिलाड़ी होंगे जो भारत की नुमाइंदगी 18 खेलों में 17 दिन तक करेंगे, क्योंकि जब इरादे मजबूत होते हैं तो सपनों को पूरा करना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन पिछला कुछ समय किसी भी खिलाड़ी के लिए एक भयावह सपने से कम नहीं था। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से 2020 में होने वाले ये खेल एक साल बाद 2021 में हो रहे हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 28 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने हॉकी में 11 मेडल जीते हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत ने 4 मेडल शूटिंग में, 2 मेडल एथलेटिक्स में, 5 मेडल कुश्ती में, 2 मेडल बॉक्सिंग में, 1 मेडल टेनिस में और 1 ही मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता है। इस बार के ओलंपिक्स भारतीय खेलों के हिसाब से कई मायनों में खास हैं। जहां एक तरफ पदकों की संख्या बढ़ने की आस है, तो वहीं कुछ ऐसे भी खेल हैं जिसमें पहली बार भारत अपनी दावेदारी पेश करेगा। भारतीय इतिहास में पहली बार भारत की ओर से तलवारबाजी में भवानी देवी ने ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। इसके अलावा नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला नौका चालक के तौर पर टिकट पाने वाली पहली महिला हैं। साथ ही साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज भारत के पहले तैराक हैं, जिन्होंने एक क्वालिफिकेशन के साथ ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही रेसलिंग में बजरंग और विनेश पर होगी निगाहें, तो वहीं इन खेलों को यादगार बनाना चाहेंगी मैरी कॉम, जिनके मुक्के का डंका दुनिया में बजता है। बुलसाए पर निशाना लगाने को बेताब है सौरभ चौधरी और मनु भाकर, तो आर्चरी में दीपिका कुमारी से सबको उम्मीदें। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा से आस, तो मेडल का रंग बदलने पर होगा सिंधु का ध्यान, क्योंकि ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहला मौका है जब दुनिया के 4 नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में खेलेंगे। हालांकि टॉप 5 में भी कई भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय खिलाड़ियों के फॉर्म पर एक नजर डालें